खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन, खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन। मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 उमंग। इस कार्यक्रम का शीर्षक है हार जीत। अशोक सातवीं कक्षा का छात्र था। एक दिन जब अशोक सुबह सोकर उठा तो उसे तेज बुखार था। माता पिता घबरा गए। उन्होंने उसे उठाया और पास के अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने अशोक की जांच के बाद उससे पूछा, क्या बात है अशोक, क्या पेट खराब है? नहीं डॉक्टर साहब, दोनों कंधों में बड़ा दर्द हो रहा है। कहाँ? यहाँ? डॉक्टर साहब बड़ा दर्द होता है, दबाइए नहीं। यहाँ दर्द है? कहीं गिरे थे क्या? नहीं डॉक्टर साहब, गिरा तो नहीं। अशोक की माता जी? जी डॉक्टर साहब। क्या अशोक कहीं गिरा था? नहीं डॉक्टर साहब, घर में तो मैंने देखा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बाहर कहीं गिरा हो तो क्यों अशोक के बाबू जी आपने? अशोक बेटा जी, अगर कहीं गिरे हो तो बता दो, डॉक्टर साहब से छुपाने की कोई बात नहीं। अरे डॉक्टर साहब दवा देंगे और तुम ठीक हो जाओगे। हाँ। नहीं पिताजी, मैं नहीं गिरा। खैर आप चिंता मत कीजिए भोलानाथ जी, मैं अशोक के लिए दवा दे देता हूँ जी। ये दवा है, आप इसे दिन में 3 दफा दीजिए। हाँ। आशा है अशोक 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, इसे 2-3 दिन स्कूल ना भेजिए, खास तौर से तब तक जब तक इसका बुखार नहीं उतर जाता। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, अशोक जल्दी ठीक हो जाएगा। अब आप लोग चलिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। चलो अशोक। अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते बेटा। डॉक्टर साहब ने दवा दी, अशोक 3 दिन में पूरी तरह ठीक हो गया। फिर वो स्कूल भी जाने लगा। दिन इसी तरह गुजरने लगे। अचानक एक दिन फिर उसे बुखार हुआ। माता पिता दोनों घबराकर फिर उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब बड़ा दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब क्या बात है, ये फिर से इसे क्या हो गया? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अशोक को हुआ क्या है? भोलानाथ जी मैं जांच कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरे दोनों कंधों में बहुत दर्द है। डॉक्टर साहब ये कंधों में दर्द क्यों बताता है? अशोक सच सच बताओ, ये तुम करते क्या हो, खाली कंधों में दर्द होना? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम अपने जिस्म से, खासकर कंधों से, कोई ऐसा काम लेते हो जो तुम्हारी उम्र के हिसाब से ज्यादा है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो स्कूल जाने, खेलने और पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं करता। हाँ। भोलानाथ जी इसके कंधों में जिस तरह की सूजन है उससे ऐसा लगता है जैसे इसने कोई भारी वजन उठाने का काम किया है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? अरे अशोक जी, ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? ये तुम? पिताजी डॉक्टर साहब ठीक ही कह रहे हैं, मैंने गलती की है। गलती की है क्या? वो मैंने पहलवानी करने के लिए कड़ी कसरत शुरू कर रखी है। क्या? फिर अशोक ने विस्तार से बताया कि उसने पहलवानी करने के लिए भारी कसरत करना शुरू किया हुआ है। खैर डॉक्टर साहब ने उसे कसरत करने से मना किया, उसे दवा दी और फिर उन्हें घर भेज दिया। 2 वक्त दवा लेने के बाद उसकी तबीयत में सुधार हुआ तो माँ से रहा न गया, वो पूछ बैठी, अरे अशोक बता ये क्या तुमने अचानक कसरत शुरू कर दी? हाँ माँ, वो कसरत करना क्या कोई बुरी बात है? नहीं बुरी बात तो नहीं है बेटा, मगर अगर शरीर की ताकत से ज्यादा कसरत करो तो ये बुरी बात भी है, क्योंकि इससे तुम्हारी सेहत खराब होती है। और तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुमने कसरत शुरू कर दी है।
तुमने हमसे भी छुपाया तो जरूर इसके पीछे कोई बात है। क्या बात है? हमसे छुपा के कसरत शुरू की और वो भी भारी कसरत। क्या महीने भर में ही पहलवान बनना चाहते हो? महीने में नहीं, महीने से भी पहले। क्यों भाई, पहलवान बनने की इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी? वो बस ऐसे ही। अशोक, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, सच सच बताओ, क्या बात है? आखिर तुम पहलवान किस लिए बनना चाहते हो? ताकत हासिल करने के लिए। क्या? ताकत हासिल करने के लिए? हाँ। ताकत? मैं समझी नहीं, क्या तुम्हें कमजोरी आ रही है आजकल? नहीं माँ, मुझे और ज्यादा ताकत चाहिए। लेकिन क्यों? मुझे प्रदीप से लड़ाई करनी है। सुना आपने, आपका लाडला क्या? जरा ठहरो पार्वती, मुझे अशोक से बात करनी है। अशोक बेटा, प्रदीप से लड़ाई करने के लिए तुम्हें ताकत क्यों चाहिए? वो क्योंकि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए। इसलिए क्या? इसलिए कि उसने मेरा पेन मुझसे छीन लिया और जब मैंने उससे पेन लेने की कोशिश की तो उसने मेरी पिटाई की, इसलिए कि मैं उसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर उसकी पिटाई करके अपना पेन वापस लूंगा। अरे, अगर प्रदीप ने तुम्हारा पेन छीन लिया तो हमें क्यों नहीं बताया? हम ले देते उससे तेरा पेन। नहीं माँ, मैं अपना पेन अपने आप लूंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। याद नहीं, कुछ दिन पहले जब मैं भागते भागते गिर गया था तो पिताजी ने कहा था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अपनी मदद आप करके मैं अपने आप उठने की कोशिश करूँ। इसलिए उस दिन भी मैं खुद ही उठ गया था। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना पिताजी? ये अच्छी बात है बेटा कि तुमने अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए हैं, मगर तुम्हें अभी ये जानना है कि जिन चीजों के फैसले तुम ले रहे हो वो चीजें असल में हैं क्या। जैसे पहलवानी करना, कसरत करना, ये सब सेहत को ठीक रखने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है, इससे ताकत मिलती है। लेकिन तुमने लड़ाई करने के लिए ताकत हासिल करने का फैसला किया, अब ये ठीक नहीं है। अब ये लड़ाई क्या है, ताकत क्या है, ये जानते हो? पिताजी, ताकत वो चीज है जिसे लड़ाई जीती जाती है। केवल शरीर की ताकत से ही लड़ाई जीती जाती है, ऐसा नहीं है? ऐसा ही है पिताजी, प्रदीप ने भी अपने शरीर की ताकत से मुझे मारा था और मेरा पेन छीन लिया था। वो इसे लड़ाई जीतना नहीं कहते बेटा, इसे कहते हैं हिंसा। हिंसा? हिंसा यानी जबरदस्ती, किसी के साथ मारपीट करके उससे अपने मन की करवाना। ये ठीक ही तो है पिताजी, अपनी चीज वापस लेने के लिए हिंसा भी करनी चाहिए, इसके लिए ताकत चाहिए। अगर हर कोई तुम्हारी तरह हिंसा करने के लिए ताकत बढ़ाता रहे तो क्या होगा? क्या होगा? चारों तरफ लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, भाई इससे क्या होगा? तो क्या मैं अपना पेन प्रदीप से वापस ना लूं? क्या बिना ताकत और लड़ाई के प्रदीप से पेन वापस लिया जा सकता है? ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा बेटा। मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने बिना लड़ाई के अंग्रेजों से अपनी आजादी वापस ली थी। किसके दम पर? किसके दम पर? अहिंसा के दम पर। अहिंसा का मतलब है किसी भी हालत में दूसरे के साथ मारपीट करके जबरदस्ती ना करना, बल्कि अपनी मांग को शांति के साथ पूरा करवाना, मिलजुल कर पूरा करवाना। पिताजी, अगर मैं भी ऐसा करूं, यानी लड़ाई ना करके अपनी मांग को शांति के साथ पूरा करवाऊं, तो मुझे मेरा पेन वापस मिल जाएगा? दोस्तों, अशोक के इस प्रश्न का उत्तर क्या आप दे सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि हिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं? हिंसा की ताकत और अहिंसा की ताकत क्या है? जीतने के लिए किस ताकत की जरूरत है? लड़ाई क्या है? लड़ाई क्यों होती है? अगर आप अशोक की जगह होते तो क्या करते? क्या आप पिता की बात मानते? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो भी क्यों? महात्मा गांधी ने आजादी की जो लड़ाई लड़ी उसमें अहिंसा की जिस भावना को बढ़ावा दिया, वो अहिंसा आज के जीवन में कैसे लाई जा सकती है? इन सवालों पर अपने माता पिता, अध्यापक एवं मित्रों से चर्चा कीजिए। हार जीत, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम
प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।